राणा फार्म पे दिन की शुरुआत काढ़े से होती है और उस काढ़े के अंदर मिठास के लिए स्टीविया डाला जाता है, लेमन ग्रास डाली जाती है, नींबू के पत्ते डाले जाते हैं और पुदीना डाला जाता है, तुलसा के पत्ते डाले जाते हैं, जीरा, अजवाइन। सभी भाइयों का राम राम। इंसान के पांव के अंदर पॉइंट होते हैं जिसको इक्यूप्रेशर द्वारा दबाया जाता है। हमने यहाँ पे नेचुरल इक्यूप्रेशर किया हुआ है राणा फार्म पे। ये जो बजरी होती है गोल बजरी, उसको हमने रास्ते पे डलवाया हुआ है, उस पे जो है चलते हैं, चलने से उनके पांव में सारे पॉइंट दबते हैं। खाना खा के 10 मिनट के लिए इस पे चूमने से इक्यूप्रेशर होता है। इस इक्यूप्रेशर के लिए ही ये बजरी डाली गई है और ये देखिए इस पे चल रहे हैं। और ये बताएंगे भाई इनको इस पे चलने से 3-4 दिन इनको हो चुके हैं, क्या फायदा मिला है, क्या फायदा इसका महसूस किया इन्होंने। मैं 10 दिन पहले बहुत परेशान था, मेरे पैरों में स्वेलिंग थी, कोई मेरे से कहता है दालें खाना बंद कर दो, प्रोटीन से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे। मैं इनसे मिला है, रूटीन हम मित्र आपस में मिलते रहते, तो इनसे मिला, इन्होंने कहा चल तेरे को फार्म पे ले चलता हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पे रोडे ऐसे जो गोल रोडे जो बिछा रखे हैं, जो नदी से स्पेशली इन्होंने जो अब वे है उस पर बिछाए हैं, तो इन्होंने खाना खिला के मुझे इस पे चलाया, तो मेरी स्वेलिंग जो थी, जो कोई कुछ कहता था, कोई कोई बीमारी बता के डरा देता था, ये 3 दिन पहले मैं आया था और मेरी जो बिल्कुल स्वेलिंग जो खत्म हो चुकी है। पहले मैं उंगली जैसे गाड़ रहा था ना अपने हाथ से, तो मेरी उंगली गाड़ के निशान लग जाता था। अब आप देखो, अब कोई उंगली का निशान नहीं है मेरे, कोई कोई खूब दबा रहा हूँ मैं, कोई नहीं तो उंगली कट जाती थी और निशान छोड़ जाते। तो ये फार्म पे ये बड़ी सुविधा, और यहाँ का नेचर जो है वो तो है ही है, लेकिन जो पैरों की जो स्वेलिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी, जीरो हो चुकी है। मतलब मैं लाखों रुपए लगा के भी ना इस बीमारी को सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्लो पोजन की तरह मेरे ऊपर चढ़े जा रही थी। पहले मेरे पैर उंगलियों में सूजन हुई, फिर मेरे पैरों में ऊपर चढ़ने लगी, यहाँ तक सूजन आ गई, लेकिन यहाँ आते ही ना मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ। और मैं अपने दोस्त अपने मित्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने और राणा जी ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया और यहाँ मुझे स्वास्थ्य लाभ दिला रहे हैं, और जिसका मैं बड़ा आभारी हूँ। और मैं मित्रों से ये भी गुजारिश करूंगा कि लोग परेशानी, इस तरह की कोई परेशानी हो तो वो यहाँ आए और दोस्तों के साथ आनंद लें और एक्वा प्रेशर से अपने पैरों को, स्वेलिंग को, इस तरह की कई चीजें होती है उन्हें सही करें। देखो मित्रों, फरीदाबाद से डीडी नागर जी भी आए थे और फरीदाबाद के निकट दिल्ली है, दिल्ली से हमारे साथ ये राजकुमार जी, ये भी 3 दिन पहले आए थे। इन्होंने बताया था कि मैं बीपी और शुगर मेरे बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जी आप राणा फार्म हाउस पर चलो और आप मात्र जो टंकी का पानी पियोगे उससे क्या है कि टंकी के पानी से पीने से आपका यूरिन ज्यादा आएगा और ज्यादा आने से बीपी में रिलैक्स मिलेगा और आपको भूख भी लगेगी और शुगर में भी रिलैक्स मिलेगा। आपके सामने मैं इन्हें वाटर सप्लाई का पानी पिलाता हूँ, अब ये अपने आप में स्वस्थ है और मैं इनको अपने हाथों से पानी पिला रहा हूँ। कैसा पानी लगा? आनंददायी, ऐसे लगता है जैसे आदमी तृप्त हो गया हो। पानी की जो पीना है और बार बार पीना है वो, मैं अब पता लग रहा है कि वो डॉक्टर जो बीपी की दवा में दवा देता है जिससे ज्यादा यूरिन आए वो क्यों देता है, अब समझ में आ रहा है कि हम मुझे दवा लेने की क्या जरूरत है। अगर मैं यहाँ का पानी पी लूँ तो इससे तो यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आता है, और मजेदार चीज है प्रेशर से आता है, जबकि दिल्ली में ये समस्या है कि वहाँ ना पानी आता है, ना यूरिन आराम से प्रेशर से निकलता है और ना ही पेट साफ होता है। यहाँ पेट भी बड़ी जल्दी साफ होता है, और आंखों में देखो जो वहाँ हमको दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन है और वो पूरे कंक्रीट है, कंक्रीट के जंगल में क्या देखोगे आप, जहाँ देखोगे दीवार, पत्थर, ईंट, यहाँ आके देखते हैं तो आपको दिखती है हरियाली और प्रकृति सामने आपके खड़ी होती है। आपको मैं याद दिलाऊं कि अगर आप मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ आते हैं तो बौर होता है आम के ऊपर और बहुत सुंदर, बहुत खुशबू यहाँ पर होती है और काफी पक्षी बोलने वाला। देखिए आम, अब ये आम लगा हुआ है, ये बिल्कुल चमक रहा है, रात को भी चमकता है, और ये अब मुझे नहीं लगता है कि ये एक हफ्ते से ज्यादा लेगा और ये तैयार आम होने वाला है जब इसको टेस्ट लिया जा सकता है। अच्छा, आपने जितना ये बो रखा है, पुदीना लगाया आपने, उसमें वो केला लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें हैं, काढ़ा पियो आप, लेमन ग्रास उसमें डालिए पत्ते से। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि एक पत्ता इतना मीठा हो सकता है कि दो पत्ते डालो चाय में तो चाय में लगे मीठा ज्यादा है। तो ये फिर किसी को जरूरत क्या है कि इस तरह की, जब इनसे मेरा काम चलता है प्राकृतिक चीजों से तो फिर मैं दवाएं क्यों लूं, क्या मौका मिलता है? कितनी कम हुई, कितनी कम हुई आपके? अब कहाँ देख रही है क्या सूजन? हाँ, अब तो रिलैक्स है, रिलैक्स है, बहुत ज्यादा रिलैक्स है। पहले पैर लगे थे, पहले आए थे बहुत परेशानी थी। आप आए थे, आपका पेट ऐसे था? हाँ, वो गैस बनती थी ना यार, साफ नहीं होता था।
अब साफ हो रहा है, अब तो आपके सामने है, नहीं पेट साफ हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सवेरे खुल के फर्स्ट क्लास, यूरिन खुल के, प्रेशर से भूख तो लगती है, तभी तो बार बार खा लेते हैं। भोजन कैसा लग रहा है यहाँ? भोजन का आनंद है, यहाँ पे इको प्रेशर का फायदा इनको साक्षात मिला है, पांव की सूजन खत्म होगी, घुटने का दर्द खत्म हो गया, और ये इको फ्रेंडली हट्स जो बनाई हुई है, नेचुरल हट्स, कोई इसमें कंक्रीट का कोई काम नहीं है, सरिये का कोई काम नहीं है, सिर्फ सफेदे की बल्लियों के ऊपर हमने छप्पर डाल के बनाया है, और पंखे लगाया, कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है, और रात को इसके अंदर गर्मी में भी हमें कंबल ओढ़ना पड़ता है, इतनी ठंड हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है, इसी का सारा ये कमाल है, नेचर का कमाल है। धन्यवाद, जय हिंद।